नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में पानी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही, जिसको लेकर मुंब्रा के वासी लगातार परेशान हैं। इसके लिए आज जो है मुंब्रा में एनसीपी के तरफ से जो है कि महिलाओं द्वारा जो एक मोर्चा निकाला गया, खासतौर पर इन महिला को वुमन चैन के जरिए जो है ये मोर्चा निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में जो महिलाएँ हैं ये दारुल फला मस्जिद से लेकर पानी पुरवठा विभाग तक जो है इसी तरह से जो है इनका ये कतारबद्ध होकर खड़ी हुई हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो इनके पास देख सकते हैं आप पूरा ये बैनर लगा हुआ है ताकि पानी नहीं दे सकते हो तो जहर दे दो, इस तरह की जो बातें ये जो है अपने बैनर लेकर अपने साथ में चल रही हैं। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के साथ में है, कोई बूढ़े हैं, कोई जो है नौजवान है, कोई अपना घर छोड़कर जो है यहाँ कड़कती धूप में जो है पानी के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए हम महिलाओं से ही पूछते हैं कि आखिर उनको पानी की समस्या कितनी है। आपका घर कहाँ पर है? अमृत नगर जनता बेकरी के पास। पानी आ रहा है आपकी इधर? नहीं, पानी बहुत कम आता है, एक घंटा भी नहीं आता है, बहुत तकलीफ होती है। अभी वही सानू भाई जो करने वाले, देखो अभी महिलाएं लोग के लिए इतना तकलीफ। अभी एक बीच में एक आदमी भी मर गया है हार्ट अटैक से, वो पानी बैनर से ऊपर ले जाता था 5 माले पे, तो उसको बेचारे को हार्ट अटैक आ गया। इसलिए हम लोग औरतें भी सोच रही है कि तकलीफ तो हमको होती है ना, इसलिए पानी के लिए हम बोले पूरा मुंब्रा में पानी हो जाए। बहुत फोर्स पानी के वॉल बराबर नहीं खोलते, 11 बजे का पानी आता है, 2:30 बजे 2:45 बजे पानी चला जाता, 15 मिनट आप बता रही। जो पानी आने का टाइमिंग है वो भी जो है गड़बड़ चल रहा है। असल में पानी आने का टाइमिंग है 11 बजे, वॉल खोलता है 11:30 बजे, उसके बाद में पानी हमको पहुंचने तक और पानी हमारे पास मतलब पानी आने तक के 2:15 बज जाता है, और पानी जाने का टाइमिंग है 2:45 बजे, तो हमको मुश्किल से 15 मिनट पानी मिलता। पानी बोलने जाते हैं तो बोलते हैं फोर्स कम है, वहाँ से ही फोर्स कम है, और पानी छोड़ने वाला बोलता है कि मैंने 11 बजे छोड़ दिया, तो फिर पानी जाता कहाँ है? अमृत नगर जैसे कि जो बता रही है कि पानी का जो है वो समय सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, जो समय पानी का है उससे देर में जो है पानी छोड़ा जाता है। और भी यहाँ महिलाएं हैं, आप बताइए। और एक मिनट, पानी की ज़रूरत होती है जुम्मा के रोज़, और आए दिन जुमेरात के दिन ही कटौती हो जाती है पानी की, तो जुमेरात और जुम्मा को तो हमको पानी ही नहीं मिलता, तो ये भेदभाव नहीं है अच्छा ना, ऐसा ये भेदभाव है हम लोग के लिए। और आज से नहीं, इतने 30 साल से हम देख रहे हैं कि मुंब्रा वालों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता, तो यही और मुस्लिम इलाकों में ही ज़्यादा होता है, ये मैं बोल रही हूँ सुनना, के पानी हम लोग को ये भेदभाव होता है। आगे के इलाकों में पानी है, हम लोग को पानी नहीं मिलता, जुमेरात जुम्मा को तो पानी बिल्कुल नहीं मिलता, लोग तेरे मेरे वहाँ से लेके जुम्मा की नमाज को जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? तो आपने सुना जिसके इन लोगों का आरोप है कि जो जुमा के दिन जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है, जुमा के दिन ही पानी की सबसे बड़ी कटौती होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफी महिलाओं का हुजूम लगा हुआ है, किस तरह से महिलाएं आज सड़कों पर पानी के लिए उतर आई हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि पानी की जो है मुंब्रा में सबसे बड़ी समस्या है। आप क्या कहते हैं? जुमे को भी पानी नहीं आते, नमाज पढ़ने को भी नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किधर जाएंगे पानी के यूज करने के लिए? यहाँ पर मोर्चा लेकर चल रही है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी पानी के लिए जो है सड़कों पर आज उतर कर आए हैं। पूरा मुंब्रा जो है पानी के लिए यहाँ परेशान नजर आ रहा है, पूरी यहाँ पर महिलाएं, आप बताइए पानी की कितनी तकलीफ है? पानी की तो बहुत तकलीफ है, बस आने बोलते हैं बाहर से, लेकिन पानी का कोई साधन तो होता ही नहीं है। कितनी देर पानी आता है आपके एरिया में? कितनी देर पानी? 10 मिनट 15 मिनट बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा तो मिलता नहीं है हमें। शिवाजी नगर यासीन प्लाजा हमारे अपने घर में 10 मिनट हमारे एरिया में पानी 1 घंटा आता है, 1.5 घंटा प्रेशर डाउन रहता है, सैटरडे पानी नहीं आता है, सैटरडे संडे सीधा मंडे के दिन आता है, वो भी 1 घंटा आएगा, और 1.25 घंटे के बाद आधे घंटे के बाद प्रेशर बढ़ता है, हफ्ते में खाली 4 दिन हमको पानी मिलता है। तो आपने सुना पानी की जो है मुंब्रा में सबसे बड़ी समस्या है, हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही पानी आता है। कहीं ना कहीं जो मुंब्रा में जो है जल विभाग की जो है सबसे बड़ी लापरवाही, कहीं ना कहीं जो इलीगल तरीके से मुंब्रा में जो है पानी निकाला जाता है, जो पानी सप्लाई किया जाता है इलीगल तरीके से, वो मुंब्रा की जो है सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अगर इस इलीगल तरीके से जो पानी निकाला जा रहा है, अगर सप्लाई किया जा रहा है, इसको अगर सुलझाया जाए तो कहीं ना कहीं जो है मुंब्रा की जो है समस्या थोड़ी बहुत सुलझती नजर आएगी। इस मोर्चे का जो आयोजन किए हैं सानू पठान, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जैन का मोर्चा निकाले तो किस उद्देश्य से जा रहे हैं? देखिए, पिछले 1 महीने से मुंब्रा कोसा के अंदर पानी की कमी है, इसका मुख्य कारण है
35 ml पानी मुमरा कोसाव में दिया जा रहा है, रिक्वायरमेंट 45 ml की है। हम जब भुगतान कर रहे पानी का बिल भर रहे तो फिर मुमरा के कोसा के शहर को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मेन का सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है पहाड़ का इलाका, अलमास से लेके संजय नगर तक पानी का प्रेशर कम है। जुम्मा को शटडाउन है, जुम्मा की वजह से शनिचर इतवार 3 दिन पानी नहीं आ रहा। जब आंदोलन करेंगे ये 8 दिन पानी सही देते। टेक्निकल इनके पास कोई उपाय और कोई इनका अभ्यास नहीं है। पानी पुरावटा मुमरा कोसा का फेल हो गया है। मैंने सुना कि आज लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि पानी का पहले बिल भरो फिर बात करो। ये महानगर पालिका पानी पुरावटा को मैं चेतावनी देता हूँ, ये सब करना बंद कर दे। अगर शहर से पानी की व्यवस्था तो आपको वहाँ से क्या आश्वासन? मुझे आश्वासन ये मिला कि उन लोग कल से सर्वे करने वाले। मैंने हम ही सभी मुमरा कोसा के राष्ट्रवादी के नगर सेवक मुमरा शमीम खान साहब और सबके मार्गदर्शन में सभी जितने भी नगर सेवक है, शाकिर भाई, मुरेश भाई, इब्राहिम भाई, जो भी लोग यहाँ पे है, वो सभी नगर सेवक राष्ट्रवादी के नगर सेवकों ने मिलकर साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। चेन बनाई थी दारुलफ्ला मस्जिद से लेके मुमरा पुलिस स्टेशन तक। ये चेतावनी है, हमारे सबर का बांध जो है उसको संभल के रहने दो, अगर वो टूट जाएगा तो तुम सब पानी। यहाँ की महिलाओं से भी बात की, उन लोगों का साफ कहना है कि जो इलीगल तरीके से पानी सप्लाई किया जाता है उस पर भी कहीं ना कहीं पुरवठा विभाग, पानी पुरवठा के जिम्मेदारी है। इलीगल लीगल तुम्हारी जो तुम टेक्निकल कमेटी है वो तुम फेलियर हो, तुम उसमें क्या करते हैं? हम उसके बाद ट्राई कर रहे हैं। ये मोर्चा अभी मुमरा के प्रभाग समिति पुलिस स्टेशन से लेकर अकॉट तक ह्यूमन चेन थी 1.5 किलोमीटर की। अगर होश में नहीं आए थाने महानगर पालिका के हेड ऑफिस में ये पूरा ह्यूमन चेन जाएगा और ऐसे ही आंदोलन थाने महानगर पालिका के हेड ऑफिस में होगा। हम लोग चुप बैठे इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर है, हम कानून के मानने वाले लोग हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सबर का बांध टूट गया तो इतना हम सैलाब आएगा कि तुम पानी पुरवठे के यहाँ से सारे TMC के अधिकारी भेजेंगे। 1895 मीटर की थी, इस हिसाब से कम 4000 महिला लोग औरतें आदमी मिलकर रोड पे थे, इसीलिए ये 4000 लोगों के ह्यूमन चेन थी। लेकिन पानी पुरावटा ने अगर इस पर कई प्रैक्टिकल अगर निर्णय नहीं लिया, कमेटी बना के नहीं किया, तो महासभा में स्टैंडिंग में ये सब तो दिखेगा ही हंगामा, साथ में हेड ऑफिस का भी अब घेरा होगा। तेज सानू पठान जिन्होंने साफ कहा कि आज जो ह्यूमन चेन निकाला गया था ये एक ट्रेलर था, और अगर पानी पुरवठा विभाग जो है इनकी मांगों पर खरी नहीं उतरती है तो ये और भी बड़े पैमाने पर जो है पानी को लेकर जो है आंदोलन करेंगे। यानी मुमरा में हर जगह जो है पानी को लेकर आंदोलन होगा और थाने जो है थाने महानगर पालिका में भी जो है पानी के लिए जो है आंदोलन किया जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी कि जहाँ पर जो है पानी के लिए आंदोलन ना किया जाएगा। यानी सानू पठान ने साफ लफ्जों में जो है पानी पुरवठा विभाग को जो है एक चेतावनी दी है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, परहार टाइम्स, मुमरा।